शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिस औरत का मैं जिक्र कर रही थी, उसका कमरा कहीं इस तरफ है। तुम बड़ी कॉरिडोर से जल्दी निकल जाओ। और एडवोकेट प्राण, प्राण, उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे बिजी रखती हूँ। हेलन, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी वजह से बहुत दुख पहुँचा, लेकिन मैंने ये सब कुछ फर्ज के रास्ते पर चलते हुए किया। अगर अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो। नहीं सूरज, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम्हारे प्यार ने मुझे जीना भी सिखा दिया है और मरना भी। मैं तुम्हारा साथ ये सोच कर दे रही हूँ कि दुनिया में नेकी और सच्चाई जिंदा रहे। हांगकांग से कोई मैसेज आया? यस बॉस, मिस्टर विलकॉक ने पूछवाया है हमें और सोना कितना चाहिए। उन्हें जवाब दे दो कि वो जितना सोना भेज सकते हैं भेज दे, अब हमें सोना ही सोना चाहिए। एक्सक्यूज मी बॉस, अभी अभी हमारा जहाज पकड़ा गया है और फिर सूरज भी तो जिंदा है। सूरज? सूरज को मैंने खत्म करवा दिया है बॉस। यस, अभी अभी हेलन जिस कार को पहाड़ की चोटी से गिराने गई उसी की टिकी में सूरज बंद था। सच बॉस? तो मैं बहुत खुश हूँ, मैंने कार को इतनी ऊंचाई से फेंक दिया है कि सूरज तो क्या, कि रूह के भी टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। वेल डन, चेक। यस बॉस। गोदाम में जाकर जितना सोना है उसे पिघलाकर उस पर से गैर मुल्की मोहरों को मिटा दो। यस बॉस। डार्लिंग, मेरा इनाम। हाँ, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया। आज इस तरफ नहीं, इस तरफ। चलो आज तो तुम्हारे इशारों पर चलना है। मिस्टर सूरज, निहायत ही काबिल, मेहनती और ईमानदार ऑफिसर समझे जाते हैं। सोने की चमक से वो कौन है जिसकी आंखें नहीं चुनी जाती? आपके सामने मिस्टर सूरज ने खुद ये इकबाल किया कि स्मगलरों की पार्टी का लीडर मिसेज इंद्रानी नहीं बल्कि कोई और। लेकिन मिसेज इंद्रानी के अलावा कोई ये नहीं जानता था कि वो कौन है। इसीलिए मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लाखों रुपया का सोना पकड़ने के बाद उसी शैतान ने मिस्टर सूरज से ये सौदा किया कि उसका राज किसी को मालूम ना हो और वो कानून की गिरफ्त से बच जाए। मिस्टर सूरज ने मिसेज इंद्रानी को खत्म करके असली मुजरिम को कानून के हाथों से बचा लिया और जिस बेरहमी से पुलिस की हिरासत में मिस्टर सूरज ने मिसेज इंद्रानी का कत्ल किया है जुर्म और सजा की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिली। इसलिए मिस्टर सूरज को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। माँ, तुम आंसू बहा रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्या करो? जो लोग कल तक तुम्हारे गले में फूलों की माला डालते थे आज वही लोग तुम्हारे गले में फांसी की रस्सी डालना चाहते हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ? नहीं पूनम, नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। मुझे तो एडवोकेट प्राण पर शक होने लगा, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसने मेरे खिलाफ कोर्ट में जिस ढंग से केस प्लीट किया मुझे ऐसा लगता है वो मुझे फांसी पर लटकाना चाहता है। लेकिन क्यों? मिसेज इंद्रानी के पास मेरे और प्राण के अलावा कोई नहीं गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है माँ, मिसेज इंद्रानी को प्राण ने क्या कर डाला? अब तो कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, फैसला मेरे ही खिलाफ होगा। सूरज, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या अदालत तुम्हें असली मुजरिम पकड़ने के लिए चंद दिनों की मोहलत दे दे? नहीं माँ, नहीं, अब नहीं हो सकता। तो तुम्हें कानून के जद से भाग जाना चाहिए। क्या कह रही हो तुम? कानून का पहरेदारी कानून की जद से भाग जाए? पूनम ठीक कह रही है, तुम अगर कानून के सच्चे पहरेदार हो तो फिर तुम्हारे सामने कानून के माथे पर इतना बड़ा दाग क्यों लग रहा है? तुम जेल चले जाओगे तो बदमाश आजाद नहीं हो जाएंगे क्या? ये क्या कानून की शिकस्त नहीं? नहीं मां, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चोरों की तरह छुपते फिरने से अच्छा है कि मैं सीना तान कर और सर उठाकर जेल चला जाऊं या फांसी पर लटक जाऊं। तुम अगर बिला कसूर सजा को भूल कर लोगे तो न सीना तान सकोगे न सर उठा सकोगे। ये तुम्हारी हार हो,
तुम्हें तो इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए। अगर बेगुनाहों को सजा मिल जाएगी तो क्या कानून की धज्जियां नहीं उड़ जाएंगी? अभी अदालत ने तुम्हें मुलजिम करार नहीं दिया। जाने से पहले आईजी को फोन कर दो कि 7 दिनों में तुम असली मुजरिम को पकड़ना सके तो खुद को कानून के हवाले कर दोगे। ये हो सकता है? सूरज ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। नो नो नो, इम्पॉसिबल। सूरज सूरज सूरज, हेलो सूरज। मेरे पीछे पुलिस लगा दी गई है, मैं चलता हूँ। अकेले कहाँ चले पार्टनर, हमने तो हमेशा साथ रहने की कसम खाई है। लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है। हम साथ होंगे तो मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। सूरज भाग गया। चेक। यस सर। शहर के कोने कोने में अपने आदमी फैलाता और वो जहां भी नजर आए उसे गोली छोड़ा। उसका जिंदा रहना हमारे लिए मौत का खतरा बन जाएगा। यस सर। मगर सामने से पुलिस आ गई इसलिए हमें पीछे हटना पड़ा। बॉस उसके साथ एक लड़की भी थी। क्या? मेरे ख्याल में मिस्टर रानी की लड़की पूनम उसके साथ भाग गई। पूनम? Thank you.
पता है इंस्पेक्टर सूरज, हम लोग जासूस है कि नहीं? अब ये बस्तर कहाँ जाएगा? करेक्ट, हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे, हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। कैसे कर दोगे? वो ऐसे कर देंगे कि ये जेल से भागा हुआ पंछी है। इसने मिसेज इंद्रानी का कैसे करके खून किया है? तुम गलत कह रहे हो, मिसेज इंद्रानी का खून मैंने नहीं किया, खून किसी और ने किया है। तो फिर किसने किया है? वही जिसने आज मेरा खून करना चाहा। मैं पुलिस से इसलिए भागा हूं कि असली खूनी को पकड़ लूं, और अगर तुम लोग उस खतरनाक मुजरिम को पकड़ने में मेरी मदद करोगे तो 50,000 रुपए की इनाम मैं तुम्हें बांट दूंगा। और तुम हिंदुस्तान के मशहूर जासूस कहलाओगे और रकम की हुंडी भी मिलेगी। ये भाई कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा? बात तो सोचने की है। बड़े भैया तुम्हें फैसला करो, पकड़ना इंस्पेक्टर सूरज को है या असली मुजरिम को? पकड़ना तो असली मुजरिम को ही चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, इनाम की रकम में भूलमार तो नहीं करोगे? नहीं, मुझे सिर्फ मुजरिम चाहिए, इनाम तुम ही को मिलेगा। तुम जमानत देते हो? हाँ, मैं जमानत देती हूँ। प्रॉमिस? खुद पीछे आएगा, बोल दिया ना माल मिलेगा। अब वो कातिल हमसे पत्थर नहीं जाएगा। मैं आज ही उसके पास जाऊंगा। किसके पास? जिस पर मुझे शक है। हमारी कार को पहचान लिया गया है। किससे पहचान लिया है? कुछ बेवकूफ लोग, और वो लोग यहाँ तक जरूर पहुंचेंगे। उनके स्वागत का अच्छी तरह इंतजाम कर दो। यस बॉस। एलन। यस बॉस। ये लो चाबी, इस कार को ले जाकर किसी पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा। ओके बॉस। इंस्पेक्टर सूरज का क्या पता चला? आई एम सॉरी। मैंने क्या बात है, तुम्हारी आंखों से तो डर लगता है। नापाक इरादों में कामयाब हो जाओगी? ये क्या कह रहे हो सूरज? ठीक कह रहा हूँ, मुझे मारकर तुम अपने नाकाम मोहब्बत का इंतकाम लेना चाहते थे। नहीं सूरज नहीं, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। मैं सच कहती हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि तुम उस गाड़ी में थे। तुम झूठ बोल रही हो, तुम उन्हीं लोगों में से जो मेरी जान के दुश्मन है। ताने देने के बजाय मुझे मारे क्यों नहीं देते? मैं मजबूरी से उन लोगों के साथ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। सूरज तुमने रॉबी बन के मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैंने तुमसे कोई गिला नहीं किया, बल्कि ये जान के मुझे खुशी हुई कि तुम एक अच्छे इंसान हो। अब मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आऊंगा, तुम अपनी जान बचाने के लिए मोहब्बत का नाटक खेल रही हो। नहीं सूरज नहीं, मेरे साथ मेरी तकदीर ने नाटक खेला है जिस पर मैं अपनी जान दे सकती हूँ। देखो देखो, मैं उसी की जान ले रही थी। यकीन आया सूरज? बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, आओ और फेंक दो मुझे इस खाई में।
अरमान अपने दिल के, आओ और खत्म कर दो मुझे। मेरे लिए इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है? देखते क्या हो, गिरा दो ना मुझे। सूरज, मैं भी किसी नेक माँ बाप की बेटी हूँ, जिनका साया मेरे सर पर नहीं रहा। मेरे भी छोटे छोटे भाई बहन हैं, जिन्हें अच्छे इंसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और इन्हीं कोशिश में मैं इनके साथ हो गई। मगर आज सूरज, मैं उन भाई बहन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हारा साथ पाकर तो मैंने सोचा था कि जिंदगी में सब कुछ पा लिया, मगर मेरी बदकिस्मत थी। सूरज, तुम दिल वाले नहीं, पुलिस वाले निकले। पुलिस वाले? पुलिस वालों का भी दिल होता है हेलेन, लेकिन वो दिल की आवाज से ज्यादा फर्ज की पुकार सुनते हैं। हेलेन, शायद तुम नहीं जानती कि एडवोकेट प्राण ने मिसेज जिंदानी का मौत का इल्जाम मुझ पर लगा दिया है। हाँ सूरज, लेकिन बिना सबूत अदालत किसी की बात को नहीं मानती। अगर ये मेरा जाती मामला होता तो मैं इस तरह नहीं भागता, लेकिन मेरे जेल में चले जाने से उन लोगों की बहुत बड़ी फतह होगी जो मेरे मुल्क और समाज के दुश्मन है। नहीं सूरज, ऐसा कभी नहीं होगा। हेलेन, अगर मैं दो दिनों में अपनी बेगुनाही के सबूत नहीं दे सका तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। काश तुमने मुझे आजमाया होता, मैं आज भी एडवोकेट प्राण को पकड़ने में तुम्हारी मदद कर सकती, चाहे मेरी जान भी चली जाए। मिल गया अस्मा, कातिल की गाड़ी मिल जाएंगे। औरत का मैं जिक्र कर रही थी, उसका कमरा कहीं इस तरफ है। तुम बड़ी कॉरिडोर से जल्दी निकल जाओ। और एडवोकेट प्राण? प्राण, उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे बिजी रखती हूँ। अच्छा। हेलेन, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी वजह से बहुत दुख पहुँचा, लेकिन मैंने ये सब कुछ फर्ज के रास्ते पर चलते हुए किया। अगर अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो? नहीं सूरज, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम्हारे प्यार ने मुझे जीना भी सिखा दिया है और मरना भी। मैं तुम्हारा साथ ये सोचकर दे रही हूँ कि दुनिया में नेकी और सच्चाई जिंदा रहे। हांगकांग से कोई मैसेज आया? यस बॉस, मिस्टर विलकॉक ने पूछवाया है हमें और सोना कितना चाहिए। उन्हें जवाब दे दो कि वो जितना सोना भेज सकते हैं भेज दे, अब हमें सोना ही सोना चाहिए। एक्सक्यूज मी बॉस, अभी अभी हमारा जहाज पकड़ा गया है, और फिर सूरज भी तो जिंदा है। सूरज? सूरज को मैंने खत्म करवा दिया है बॉस। यस, अभी अभी हेलेन जिस कार को पहाड़ की चोटी से गिराने गई, उसी की टिकी में सूरज बंद था। सच बॉस? तो मैं बहुत खुश हूँ, मैंने कार को इतनी ऊंचाई से फेंक दिया है कि सूरज तो क्या, कि रूह के भी टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। वेल डन, चेक। यस बॉस। गोदाम में जाकर जितना सोना है उसे पिघला कर उस पर से गैर मुल्की मोहरों को मिटा दो। यस बॉस। डार्लिंग, मेरा इनाम। हाँ, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया। आओ। आज उस तरफ नहीं, इस तरफ। इस तरफ। चलो, आज तो तुम्हारे इशारों पर करना है। क्या बात है? काम जारी है, लेकिन आप एक बार आ जाते तो बहुत अच्छा होता है। तुम काम जारी रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। सुनो चेक, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ।